वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। मैं नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ कैंपस प्लेसमेंट की। देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें कंफर्म करना चाहूँगा आप लोगों से। अगर आप उस चीज़ से एग्री करेंगे तो फिर जो है हम इस चीज़ को फर्दर लेकर आएंगे, अदरवाइज नहीं लेकर आएंगे। मुझे बस दोबारा आप लोगों की परमिशन चाहिए, पहले भी मैं आप लोगों की परमिशन ले चुका हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, कैंपस ड्राइव है। 200 बच्चों को जो है यहाँ पर L&D कंपनी द्वारा हायर किया जाएगा। आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट होगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक अच्छा खासा आपको अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है, जब मैंने कैंपस प्लेसमेंट लाना स्टार्ट किया था ना, उससे 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने आप लोगों से कन्फर्म कर लिया था कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लानी है या नहीं लानी। 99% क्या 100% बच्चों ने मुझसे बोला कि सर आप कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर आइए, IT वाले बच्चों के लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट वो जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ऑथेंटिक होने चाहिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी। मैंने कैंपस प्लेसमेंट की आप लोगों को एक बार भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन कुछ लोगों के कारण मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इस तरीके के सवाल मिले कि आप कैंपस प्लेसमेंट क्यों लेकर आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, देखो भाई ये जो कैंपस प्लेसमेंट होती है ना, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप लोगों से पैसों की डिमांड की जाती है, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे वो 300 रुपये हो, चाहे वो 50 रुपये हो, अगर आपसे पैसों की डिमांड की जाती है, ये ज्ञान की बातें मैं इसलिए बार बार करता हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो जाए, तो आप जो है उस प्लेसमेंट में हिस्सा ही मत लो और बाकायदा उस व्यक्ति की कंप्लेंट करो जो प्लेसमेंट के दौरान आप लोगों से पैसे चार्ज कर रहा है। क्योंकि आज तक का रूल है, प्लेसमेंट अगर आपकी होती है कोई भी आपसे पैसे नहीं मांगेगा। अगर पैसे मांगते हैं तो आप लोगों के पास हक है कि आप डायरेक्टली जाके उन लोगों की कंप्लेंट कर सकते हैं और उनके खिलाफ प्रॉपर एक एक्शन होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, कभी भी पैसे मांगे जाए प्लेसमेंट के दौरान, समझो वो चीज़ फेक है। अब बात करते हैं, ये जो कंपनी है इसकी हम बात करेंगे अभी जो है आपके सामने, लेकिन पहले एक चीज़ आपको बता दूं। देखो भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। देखो भाई, बिजनेस करने के लिए भी ना पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे, जब आप नौकरी करेंगे। नौकरी करने के बाद 1-1.5 लाख रुपये आप अपने जो है जमा कर लेते हैं, उसके बाद आप में भी मोटिवेशन आ जाता है और आप जो है फिर अपना पैसा इकट्ठे करने के बाद अपना एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फिर जो है आगे जाके वो बड़े लेवल पर जा सकता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले ही बिजनेस स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो गलत चीज़ है। आप उसमें रिस्क भी रहेगा कि आपका पैसा बचेगा या फिर नहीं बचेगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये आपकी जो है काबिलियत पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस मोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यही बात बोलूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ओपन कर लो, अदरवाइज आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले नौकरी करने पड़ेगी, क्योंकि लोन भी जो है बैंक इतना इजीली नहीं देता है। पहले आप नौकरी करोगे, फिर जाके आप पैसा इकट्ठा करोगे और फिर जाके जो है आपका बिजनेस सेटअप होगा, क्योंकि बिना आप जो है यहाँ पर पैसे के कोई भी बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस नौकरी की, नौकरी ही बोलूँगा क्योंकि प्लेसमेंट के बाद आपकी नौकरी लगेगी और ये परमानेंट है, टेम्पररी बेसिस नहीं है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं दूसरे स्टेट से कैंपस ड्राइव में कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि जाके जो है इंटरव्यू दो। अगर आप सेम स्टेट के हैं, आसपास की लोकेशन के हैं, तो ज़रूर जाइए, आप वहाँ पे हिस्सा लीजिए, देखिए किस तरीके का इंटरव्यू होता है। और हर किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे रहें, और जो बच्चे यहाँ पर पैसे के इच्छुक हैं, मतलब जिनको पैसा चाहिए फ्यूचर में जाके जो अपना बिजनेस करना है, जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, वो इस तरीके के जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। हर किसी को रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक और बात दोबारा रिपीट करूंगा, अगर पैसों की डिमांड की जाती है तो कंप्लेंट करो डायरेक्टली और जो है वहां से आप चले आओ। देखो भाई, यहां पर कानपुर L&D कंस्ट्रक्शन कंपनी नई दिल्ली की तरफ से 22 अगस्त को आपके लिए ITI कर चुके छात्रों के लिए, यानी आप ध्यान रखना जो ITI कर चुके और रेगुलर, क्योंकि कैंपस जो ड्राइव होती है ना रेगुलर बच्चों के लिए होती है, कॉरेस्पोंडेंस के लिए नहीं होती, बहुत ही कम होती है। 22 अगस्त को आपके लिए कैंपस ड्राइव चलाई जाएगी, ठीक है। और ये कौन से ITI में, पांडू नगर स्थित राजकीय ITI में। जो बच्चे पांडू नगर ITI के हैं वो तो ज़रूर जाएं, उनको तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और जो उसके आसपास के हैं वो भी चले जाओ, और जो दूसरे स्टेट के हैं बाकी उन लोगों की मर्जी है, मैं उनको रिकमेंड वैसे भी नहीं करूँगा। सेम स्टेट के तो ज़रूर जाएँ, सेम एरिया के ज़रूर जाएँ।
एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप प्लेस होते हैं यहाँ पर, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली में होगी या फिर नोएडा में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आईटीआई पांडुनगर के प्लेसमेंट प्रभावी प्रमोद पांडे ने बताया कि प्लेसमेंट में वे बच्चे शामिल हो सकते हैं जिनकी एज 18 से 25 साल है, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहले साल आपको प्रतिमाह 10,962 रुपये दिए जाएंगे। और ध्यान रखना, वही बच्चे वहाँ पे जाएं जिनकी परसेंटेज 10वीं या 12वीं में 60 से ऊपर है या फिर 60 है। और अगर आप पहला साल क्लोज कर लेते हैं, पहला साल क्रॉस करने के बाद आपको जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, कैसी चल रही है, आपने कैसा काम किया, उसके बेसिस पे आपको परमानेंट किया जाएगा और फिर आपको 17,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। 22 अगस्त को आपको सुबह 8:30 बजे पहुँच जाना है। अगर आप इच्छुक हैं तो जाइए, और आप मुझे एक और बात कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन लानी है। अगर आप बोलोगे हाँ तो मैं लेकर आऊँगा, अगर ज़्यादा संख्या में ना आए तो मैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं लेकर आऊँगा। बट मेरा आपसे जो है वादा रहा कि जो भी कैंपस प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल ट्रू होगी, और कभी भी आपके लिए कैंपस प्लेसमेंट की जो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में लेकर आऊँगा, कभी भी फेक वाली नहीं लेकर आऊँगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर विश्वास है तो आप जो है जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। और यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट की जो ड्राइव होती है मेरे द्वारा नहीं चलाई जाती, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये खुद कंपनीज आती है। और मैं एक और बार लास्ट टाइम और रिपीट कर रहा हूँ, पैसों की डिमांड की जाती है 1 रुपये की भी, तो आप जो इंटरव्यू में पार्ट मत लेना, वहाँ से चले आना, उन लोगों को पैसे नहीं देने। अगर वहाँ पर डिमांड नहीं की जाती तो फिर आप जो डायरेक्टली इंटरव्यू में बैठना, और अगर आपको ऑफर लेटर उसी टाइम पर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना। वैसे ग्रुप पे ये इन्फॉर्मेशन फैला दी गई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दे दिया है, फेसबुक ग्रुप का, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, जो यहाँ पर पांडुनगर आईटीआई के आसपास के हैं उनको तो जरूर शेयर कर देना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो पांडुनगर आईटीआई में, तो पांडुनगर आईटीआई के बच्चे जाएंगे, यहाँ पर किसी भी आईटीआई के बच्चे जा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। धन्यवाद।